हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यूटेक में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आप अपने एलपीजी का जो कार्ड है उससे एलपीजी आईडी कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे पास देख सकते हैं ये कार्ड है। इस कार्ड में ये मेरे को उज्ज्वला योजना के तहत मिला हुआ कार्ड है। तो दोस्तों, आपका किसी भी कार्ड हो, चाहे प्राइवेट लिया हुआ हो, तो देख सकते हैं ये अपने सामने में उपभोक्ता क्रमांक दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस उपभोक्ता क्रमांक के थ्रू ही हम अपना एलपीजी आईडी ऑनलाइन निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए किस तरह से ऑनलाइन निकालना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे हमारी एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं शासन की नई नई योजनाओं की जानकारियाँ और जॉब से संबंधित तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियो डालता रहता हूँ। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ आपको इस तरह से बटन मिलेगा, उसमें आप क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल की घंटी को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जब भी नई नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप सबसे पहले हमारे वीडियो को देख पाएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। दोस्तों, आप मोजिला में भी निकाल सकते हैं, लेकिन कोई भी ब्राउज़र में निकाल सकते हैं। अगर उसमें नहीं निकलता है तो क्रोम ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं। अब यहाँ आपको टाइप करना होगा myLPG.in। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला पेज ओपन होगा। इस पेज में अपन को ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पेज हमारा आ गया है। देख सकते हैं ये तीन तरह से चित्र आ चुका है। अब यहाँ ये देख सकते हैं क्लिक हियर लिखा हुआ है, क्लिक हियर टू नाउ योर एलपीजी आईडी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लिक हियर में क्लिक करना है। क्लिक कर देते हैं। अब पूछेगा इसमें से कौन सा गैस आपका है। ठीक है, कौन सा गैस देखना चाहते हैं, तो भारत गैस है, एचपी गैस है, इंडियन गैस। चलो मैं इंडियन पे क्लिक किया। अब देख सकते हैं ये वाला पेज ओपन है। चलिए दोस्तों, अब देख सकते हैं इसमें फिल करना होगा। ठीक है, चलिए स्टेट, अब जिस स्टेट से हैं स्टेट का चयन कर लीजिए। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़ चयन कर लिया। अब इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट चयन कर लीजिए जहाँ का है। चलिए मैं कर लिया, मुंगेली से हूँ। अब यहाँ मुंगेली के अंतर्गत जितने भी इस ज़िले में गैस का जो एजेंसियाँ हैं वो सब सामने आ गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब जिस भी आपके कार्ड में लिखा रहेगा जिस भी एजेंसी का है, चलिए मेरा शारदा इंडियन है, मैं शारदा इंडियन को क्लिक किया। अब यहाँ कंज्यूमर नंबर, तो कंज्यूमर नंबर देख सकते हैं हमारे इसमें दिया हुआ है उपभोक्ता क्रमांक, इसको हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे में ये कैप्चा को डालना है जो रेड कलर में दिया हुआ है। चलिए मैं डाल देता हूँ, सेम टू सेम इसको लिखना पड़ता है कैप्चा को। ठीक है, अब प्रोसेस पे क्लिक कर दिया। जैसे प्रोसेस पे क्लिक किया, ये देख सकते हैं यहाँ पे एलपीजी आईडी हमारा आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस एलपीजी आईडी को के थ्रू, इस एलपीजी आईडी के तहत आप अपना सब्सिडी चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो दोस्तों, हम इस मोबाइल नंबर और एलपीजी आईडी से किस तरह से सब्सिडी चेक करेंगे उसका वीडियो हम बना चुके हैं। तो दोस्तों, उस वीडियो को आप देखिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कुछ सवाल होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसका निराकरण करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।